अब मुंडा की क्या जाए ये जिनो क्या तू राजा बनेंगे कि मैं राजा बनेंगे राजा बनेंगे बहुत ही सत्कारयोग पिंड पनवा दे मेरे बुजुर्गों नौजवान वीरों मेरी माताओं भैनों प्यारे बच्चों सब तो पहला फतेह अर्ज करता है वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग इस इलाके की नुमाइंदगी करते मेरे वड्डे भरा श्री विजेंद्र सिंगला साहब साबका मंत्री पंजाब बहुत ही सत्कारयोग मेरे वड्डे भरा फतेहगढ़ साहब तो दो वारी दे एमएलए सरदार गुरजीत सिंह नागरा साहिब बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर संदीप संधु साहिब बहुत ही सत्कारयोग छोटा भरा इस बारी पटियाले तो चोन लड़े ब्रह्मेंद्रा जी के सपुत्र मोहित महिंद्रा जी सत्कारयोग साढ़े ढींसा साहिब और सारे ही कांग्रेस पार्टी के दीपक जी हरी तमाम साथीगण और थोड़ा अपना भरा चेयरमैन वरिंदर जी जड़ा कि बहुत तगड़ा ते जुझारू व्यक्ति है साढ़े इस ब्लॉक का और पिछे जे जिन्हों दबाने की कोशिश की गई सरकार वालों लेकिन बेखौफ तरीके नाल किस आदे थले ना आते हुए चढ़ती कला चढ़ने वाला व्यक्ति जिन्हें बेशक दो चार दिन पुत्र नू जेल भी जाना पिया लेकिन बंदा डोलिया नहीं। सो एहो जे लोग मैं समझना कि ज्योदी जमीर वाले लोग होंगे ज्योदी जमीर जेडे लोग कायर होंगे है डरते होंगे उन्होंने जमीर मरिया होंगे। सो कोई गल नहीं है समा आता जाता रहता सरकार आते कोई स्थिर नहीं है वड्डे वड्डे लोग चले गए औरंगजेब बादशाह वर्गे चले गए और इन्हों का समा भी पूरा हो जाना। सो आ जाएगा अपनी बारी आ जानी दोबारा पर मैनू अफसोस है यार थोड़े लोगों का पनवा साहब मैं अफसोस है कि तुसी इस चंगे इंसान नूं हराता जिस व्यक्ति ने आ सारे काम पार्क जिम शेड सड़कां हस्पताल स्टेडियम रेल गड्डियां जो लेके आया उस बंदा नूं तुसी लोगों ने हरा दिता। मैं ये सोच रहा सी जो इस तो पहला कि जिस तरह सिंगला साहब काम कराते शायद ही कोई साढ़े 117 एमएलए चो इन्ने काम करा सकया होया अपने इलाके च और जे ये बंदा हार गया तो मैनू ये समझ नहीं आती कि आने वाले समय च केड़ा बंदे नू लोग जिताना चाहते। पर संगरूर वाले हो तुसी बंदे तो बहुत चंगे हो संगरूर वाले भोले लोग है गल्लां छेती आ जाते इनकलाबी भी बड़े माड़ा मोटा जे पुछ पड़ताल कर ली होंगी तो शायद अज सानू ये दिन देखने ना पड़ते जो अज दे पंजाब दे हालात हैं। मैनू पता है थोनू सपने विखाए गए थोनू बदलाव का सपना दिखाया गया कि नवा पंजाब असी नवे पंजाब की सिरजना करांगे असी नवा पंजाब बनावांगे नवे पंजाब च की होगा हर व्यक्ति ने घरे नौकरी होएगी हर व्यक्ति खुशहाल होएगा वातावरण सुधरेगा लेकिन होया कुछ होर मेरी मां के सपने सन साडा मुंडा ते कुड़ियां पनवा चो बस से चढ़िया कर रही झोला लेके सरकारी नौकरी जाया कर जो भगवंत मान आ गया मेरिया मावां ते मेरे बजुर्गों का सपना सी 35,000 की नौकरी से जाया करे फिर मैं आपके मुंडे की चन लेके जाऊंगी कुड़ी भी वधिया मिलूगी जो मुंडा नौकरी लग गया फिर
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦਾ 1000 ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੂਗਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਪਲੀਨ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾਲੇ ਪੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 40000 ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬੀਬੀ ਭਰਾ ਜੇ 30000 ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ सारे मुंडिया ने एवे फिर भगवंत बीबी भराज का बटन बीबी हजार वोटा का थोड़ी हर जाना क्यों भी सरदार साहब दसो गल सही है कि झूठी साडे नाल बजुर्ग जे बेचारे रह गए थे मुंडिया ने तो ऐतकी साडा पाटा ही मारता थोड़िया नूहां ते मुंडिया ने साडा बाटा ही मारता गल पक्की है ना आ देख ला चल ठीक है बेबे तेरे वाली ने नहीं होना दूजिया ने तेरी सहेली भी नारे ने करता मेरे कह ओ मैं नहीं कहता भी तुसी ते तुसी आए हो कांग्रेस नू प्यार करदे हो ताई आए हो पर मेरे कहन दा कोई नहीं मेरे कहन दा मतलब हुण मेरी गल सुन ला इहनू गुस्सा लग गया मैं माफी मंगदा सो मेरे कहन का मतलब ज्यादातर लोगों नू सपने विखाए गए ते नौजवान मुंडे ते कुड़िया ने आ टेलीफोन दे विच भगवंत मान दे भाषण सुना सुना के कई साडे बाबिआं नू भी बदलता जिहदा नुकसान होया बिजली मुफ्त देंगे कि बिजली मुफ्त है असी थोड़ू बिजली कटाते सी रे 3 रुपए बिजली सस्ती करती सी जिहड़ा 7 किलोवाट तक का लोड है जिहड़ा इन्होंने हुण किलोवाट वाले नू 100 यूनिट मुफ्त देने असी 200 दिंदे सी ते उदू पहला लोड वधाउणा है लोकां दा इन्होंने घर घर तुरे फिरदे बिजली वाले पंजाब दे कोने कोने च थोड़े तां नहीं आए इलैक्शन आ गया असी 2400 करोड़ रुपया सबसिडी दिंदे सी सारा पिंड आउंदा सी 7 किलोवाट ए हुण कल्ले किलोवाट तो थल्ले वालिआं नूं 100 यूनिट बिजली दे मुफ्त दिया करनगे जदों 300 हो जा करनगे फिर बिजली दा बिल फिर आया करूगा साडे वेले तुसीं जिन्नी मर्जी बिजली फूकदे सी पर 200 यूनिट मुफ्त कट के फिर तुहानूं बिल लगदा सी इहनां वेले ऐ नहीं लगदा इहनां वेले जे 300 तों 1 कीता तां सारे दा बिल लग्गिआ करूगा इक होर तोहफा आ गिआ हुण तुहानूं कणक नहीं भगवंत आटा दिया करूगा बेबे वेखदी है लकड़े आटे च तां गर्मी च कीड़े पै जाणगे ते पै जाण तां असीं की करिए फिर सिट्टिआ आया करी मझ नूं पा दी ते फिर गेट ते लिख के लाऊगा भी मख्तियार कौर पत्नी गुरादित्ता सिंह ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਮਾਂ ਬਈ 100 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਉੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ते असी तां थोनू कीता बसां दा किराया मुफ्त ते थोड़े करके इन्हां ने भी नहीं पाईआं सानू आ बंदिआं ने इह बंदे कहिंदे सानू जनानियां दे मगर लाता सारी उम्र तां जनानियां बंदिआं दे मगर लगियां रहीआं घर वाले दे मगर ही हुंदी है विचारी जिन्हां दी बंदे दी चलदी हुंदी है बुढ़ी दी घट चलदी है ते हुण इहनां नूं कच्चे जे हो गए थोड़ी बस मगर चढ़ना पैंदा थुक क्योंकि इह कहिंदे वी चल बई चल कुलजीत कुरे तेरे वाली बस ते चढ़ जांदी है तेरे लिए तो मुफ्त है मैं बसा च भी वेख्या मैं बसा का मंत्री हुंदा सी जिहड़ियां बुढ़िया हुंदियां सी उह तां चौड़िया होके बैठिया भी गौरमेंट की बस उन्हां दी बस ते जिहड़ा बंदा नाल हुंदा सी उह अद्धा सीट तों थल्ले लमकदा जे जांदा सी क्योंकि उहदा जिहड़ा किराया मुफ्त हुंदा सी उह कूणियां मारदे इक दूजे नूं असीं फायदा कीता थोड़ा ते तुसीं फेर 1000 दे लालच आ गया सानूं वोटां नहीं पाईआं मारकण बुढ़ी हुंदी है घर दी
बंदा नहीं हुंदा ते फायदा बनवाट फिर इन्हां दा कर गया इन्हां नूं दारू सस्ती कर गया लै लो सवाल तुसी उत्थे नहीं उत्थे रह गईआं ना यार मिलिया ते नाले करे वध पी के आ करके कलेश करिया करनगे हाँ आ गल कीती गई की क्या दसी गई बड़ी सियाणी मैं भाई गल मारो ताली मारो बेबे कभी हूं की बिल्ली बेची हूं फिर मुद्दा कर दें पर इन्हों तो बचो इन्हों का हथ क्योंकि जेड़ा पौआ पीता से उन्होंने हथ ठोकिया करो पहला तो यह डिगते टका जो आते हूं कई भी छिले भी जाया करेंगे डिग ये वेखियो भाई सस्ती करके गर्मी हैगी वध ना पी लियो आए ना हो भगवंत मान पुट के भोगते भी ना आवे क्योंकि लीवर खराब हो जाऊगा भाई जिगर खराब हो जाऊगा दारू पी के है सो जिगर खराब हो जाऊगा ते जेड़ा बंदा ज्यादा दारू पीऊगा तड़के काम से नहीं जाया जाना उन्हें नौकरी तो कर दू अगला दिहाड़ी क्यों लैके जाऊगा हट पैर टुट दे चंगा होंगे जे तेल की बोतल सरों की सस्ती कर दे चंगा होंगे दवाई सस्ती कर देता है चंगा होंगे गैस का सिलेंडर सस्ता कर देता मैनू बना तू मेरा पीपा भरया ना जरा मैं कर दिया उदो तो भराज के नेड़े नेड़े होके जफ्फियां पाउंदी सी यह मैनू वरिंदर ने कहा सो सो भाई जी ध्यान करो मेरी गल का मुंडे नौकरी लवाना चाहते हो हजार रुपया लेना चाहते हो आपके वादे पूरे जे करवाना चाहते हो वह एक मेरे को नुकता हैगा तरीका है वो नुकता तो तरीका यह है जो मेरी बेबे ने कहा चुप चपीते जिमें आ सिंगला ठोके है इवें ऐकी इन्हू ठोक दे ताड़ी है थोड़े नाम से जो मैं क्या जिम्मे सिंगले ठोकिया वो मैं थोड़ा ठोक दिया सिंगले भी पता नहीं लग्या ये भी काम करता करता कुंभ पै गया यही खड़ता हम भाषण दिता मेरा सिर पलूस पलूस के अद्धा गंजा ही करता मैनू कहता मैं इन्हें टेलीफोन पूछा मैं किए है कहता मैं 30,000 रुपये दिता 20,000 रुपये अड़ गया मैं मिलिया मुड़ के रोई जावे मैं क्या रो भाई कर कहता यार मैनू उम्मीद ही नहीं सी जो मैनू प्यार दिता लोगों ने मैं जो काम किए मैनू लोगों ने प्यार बड़ा दिता और वाकई 117 हल्किया चो मैनू इस गल का फकर है कि जो इस बंदे ने काम कराए है होर कोई करा नहीं इस पंजाब च सकता राजा होने की नहीं करा जरूरी नहीं सिंगला साहब भी वह जित गए तो लोग उन्होंने याद कर थोड़ी लोग गल करया करनगे लोग कहणगे कि जिउंदा रहे बेबी जिंदर सिंगला जिन्हें साडे इलाके दे विच इन्ना कुछ लैके आया हस्पताल लियांदे स्टेडियम लियांदे रेल गड्डियां लियांदियां ते भगवंत मान ने तां कदे चुटकले सुनाए मैनू दसो तां सही थोड़े पिंड च पड़वा च की कीता वरिंदर सिंह हम बेंच बुंच का भावे आ गए हो ओ बीबी भरा जा गई मिल गई कोई धनवाद कर गई कि नहीं भैन भरा जा गई भैन भरा मेरे खाते च कहते 24,000 रुपया फिर 24,000 का तो भले मानसो 24,000 वाला तो मैंबर पंचायत नहीं इलेक्शन लड़ सकता MLA लड़ सकता है बोलो हूँ बोलते नहीं क्या बात ये सारे काम का एक ही हाल है भी चुप चपीते टूटी मरोड़ दियो ते सबक दियो सिखा ऊ तो बीबी भराज का सिर पलूसी जाओ पुत तेनू ही पावांगे पर अंदरों ही अंदरों जिवें सिंगला साहब का काम किते ही नहीं करदे असी नहीं कटिया चाहिए 400 बदनी चाहिए वरिंदर जी सो इस वारी इस गल का तुसी ध्यान रखना है।
फिर सरकार जे मुंडा गोलियां खान लग पे ना नशा ते बेबे उन्हें लुकोन लग पी है। सब तो पहला पहले दिन ही मां को पता लग जाता है मेरा मुंडा सीधा नहीं तुर गया है, टेढ़ा जा तुरद है, कुछ खादा है। फिर प्यो नू पता लगता है, पर प्यो ते मां शर्म दे मारे लुकोंदे 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 मुंडा मरवा लेंगे। क्योंकि जो 2 साल उन्होंने नशा करते हो जाए फिर उन्हें खून च वड़ जाता है, फिर वह निकलता नहीं, वह मरता ही है। तो जे पहले दिन फड़िया हो रिश्तेदार सद्या हो पिंड सद्या हो दो कन्नते मारिया होवे जो थाने फड़ा पवे तो थाने फड़ा दो फिर वह हट जाता है। आप शर्म शर्म के नुकसान करा देता है। तो मरे तो बाद भी तो पता लगता ही है भी फलाने का मुंडा नशे ना मर गया, एदू चंगा पहला ही कोठे से चढ़ के रौला पाओ, एदू चंगा पहले ही आपका इलाज कर लो। जे हुण कन्न मरोड़ता तो सरकार दे कन्न हो जाणगे भी जनता बड़ी सियाणी है, जे असी कुछ कीता ना तो साडा पलटा मार देणगे। सिद्धू मूसे वाले ना की होया, उरी मां 28 सालां दे नूं गुत गुंद के तुरिया, ये भगवंत मान साहब ने उरे गनमैन वापस ले लिया। एक महीना पहला मारन आए थे दिल्ली, बंदा शाहरुख खान उरा नाम से, वह मुड़ गया वापस। वह कहना वह फड़ लिया दिल्ली पुलिस ने, वह कहना मैं मुड़ गया। वह कहते मुड़िया क्यों? कहना मैं देखा भी उरे कोल तां बंदूकां वाले गनमैन है, मैनू मार देणगे। ते दिल्ली पुलिस ने इतलाह दी अपनी पुलिस नूं, अखबार च लग्या, आ पत्रकारां नूं पता है भई इहनूं कोई मार दूगा, इहदी सिक्योरिटी वापस ना लिओ। ते सरदार भगवंत सिंह मान ने उहदी सिक्योरिटी जिद्दे वापस लई ते टैलीविजन ते चलाता भी सिक्योरिटी वापस लई ते उहदे शाम नूं ही मार गए। अस्सी बयासी दिन 62 कतल हो गए हैं कबड्डियां वालों के, फलाने दिन दिहाड़े गोली चलती है। तो मैं अज पिछले पिंड कहा सी, कल भी मरे सी बंदे 3, तो मैं पिछले पिंड कहा सी, मैं कहा अजे 12 नहीं बजे, खबर नहीं आई, आजू अज भी। तो हुणे खबर आ गई है कि तलवंडी रामे मंडी गोली चल गई है, हुणे खबर है। गुरु जाना का यह हाल है। इस दे बावजूद जिहड़ा अकाल तख्त का जथेदार है जिन्हें आ बीबी खड़ी की है राजूआणा ते आ सिमरजीत सिंह मान है, अकाल तख्त का जथेदार साहब कहिंदा कि हथियार लो, ट्रेनिंग लो, मैं देऊंगा। दसो हथियारों की लोड़ है? मॉडर्न हथियार लो, ओए सानू कलम दिओ, कापी दे। ओ जथेदार साहब जी, ओ एक कागज खोलो, ते सिखी दा जे प्रचार करना है तां होका दिओ भी सिख बनो सिंह सजो, जिहड़ा सिख ते सिंह बनेगा ओनू मैं आपदे कालज दे विच पढ़ाई मुफ्त करावांगा, तां जो मावां ते प्यो आपदे पुत्तां नूं सिंह सजावां। हस्पताल खोलो, कहो ट्रेनिंग सेंटर की बंदूखा ने भी लोड़ नहीं, भी जेड़ा सिंह होएगा ओरा इलाज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आपके हस्पताल च मुफ्त करेगी। ये कहने बंदूखा लो, ये पंजाब नूं वंडना चाहते हैं, ये पंजाब दे विच दोबारा फिर 84 दोहराना चाहते हैं, ये वंडिया पाउणा चाहते। सानू नहीं लोग चाहिए जिहड़े खालिस्तान बनाना चाहते हों, सानू वो लोग नहीं चाहिए। आ मुंडिया कोले असला तो पहले ही बथेरा है, ताहीं तां ठा ठा करदे फिरदे। वैसे भी पनवा दे विच जिहनूं खतरा है जां खेत च बैठा है वह आपका लसंस बना सकता है, पर जिम्मेदार व्यक्ति 25-25 साल के मुंडिया ने जो असला फड़ा दोगे फिर गुस्से नाल कतलेआम ही होगा, क्योंकि सहनशीलता तो नौजवान च होंदी नहीं। सियाने बंदा तो फिर उन्हूं वरतदा जिथे वरतना हुंदा है, उहदा लसंस बनदा ही है।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਇਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਭਲੱਕੜੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾ ਸਾਲ 1000 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 1000 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ MP ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਈ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ 2 ਵਾਰੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਗਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।